नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबर मध्य प्रदेश की। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान इस वक्त सामने आया है। 2% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की हो रही टेस्टिंग, रोजाना 90,000 यात्री विदेशों से भारत आते हैं और कोविड को लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। एक देश से दूसरे देश में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में वक्त लगता है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रही हैं अन्य देशों में। ऐसे में जो भी फ्लाइट्स भारत आ रही है उनकी टेस्टिंग हो रही है, यात्रियों की टेस्टिंग हो रही है। ये साफ तौर पर कहा गया है, रोजाना 90,000 यात्री विदेशों से बाहर भारत में आते हैं और कोविड को लेकर सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सावधानी की बहुत जरूरत है। इस वक्त कोरोना के मामले जितनी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, इसने अपने आप में डर जरूर पैदा कर दी है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है कि कोरोना को लेकर जो टेस्ट है वो भी लगातार हो रही है, जो यात्री हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है एयरपोर्ट पर, जो अंतर्राष्ट्रीय वाहनों से भारत पहुंच रहे हैं। आज अनेक कार्यक्रम हैं। उज्जैन में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जल संग्रहण के ऊपर सुजलाम का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्र स्तर के सभी हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ मंथन के आधार पर आगे आने वाले समय में भारत के लिए और विश्व के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उसी के साथ आज इंदौर ग्रामीण में, सांवेर में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य हो रहा है, और जो सांवेर की बहुत लंबी मांग थी, जो चुनाव में भी आश्वासन हमने दिया था कि 50 बिस्तर का अस्पताल जनता को हम समर्पित करेंगे, आज उसका भी कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए।